दोस्तों रियलमी एक्स लॉन्च होने वाला है 15 जुलाई को इंडिया के अंदर, और इस स्मार्टफोन का एक स्पेशल वेरिएंट भी लॉन्च किया जाएगा, स्पाइडरमैन एडिशन, जो कि आने वाला है इस स्मार्टफोन के लॉन्चिंग के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। साथ ही दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग काफी कंफ्यूज है इस स्मार्टफोन को लेकर, क्या कुछ खास इस स्मार्टफोन में होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इस स्मार्टफोन को लेकर, कि आपको इस स्मार्टफोन का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं इस स्मार्टफोन के बारे में आपको कंफर्म स्पेसिफिकेशन बताऊंगा इस वीडियो में, इसका एक एक पॉइंट मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स भी दिखाने वाला हूं, कि इस स्मार्टफोन का कैमरा किस तरह से वर्क करता है और कितने अच्छे बेहतरीन फोटोज इस स्मार्टफोन के कैमरे से आते हैं। दोस्तों मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं रियलमी के ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से चेक कर सकते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन को, जो कि रियलमी ने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन और डिस्प्ले से। दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो डिजाइन और डिस्प्ले होने वाला है सेम रियलमी के चाइना वेरिएंट जैसा ही होने वाला है, बट यहां पर आपको एक स्पेशल वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, स्पाइडरमैन एडिशन, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन की बैक साइड की, तो यहां पर बैक में आपको एक ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। बट इस स्मार्टफोन में आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है बैक साइड में, जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट है कस्टमर्स को। अगर आपको एक ग्लास बैक बॉडी चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन को प्रेफर नहीं करें तो ही बेहतर होगा, बट अगर आपको एक प्लास्टिक बॉडी चलेगा तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। अगर फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 6.53 इंच का फुल एचडी प्लस का स्क्रीन देखने को मिलेगा, जो कि एक एमोलेड स्क्रीन है, और यहाँ पर आपको एक सुपर एमोलेड स्क्रीन का देखने को मजा आने वाला है। और साथ ही में इस स्मार्टफोन में आपको 91.2% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का एक्सपीरियंस भी देखने को मिलने वाला है, जो कि फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों वही बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले में, आपको कोई भी नॉइज देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों जैसा कि रियलमी बताती है कि इसका जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है वो 0.74 सेकंड में पॉपअप आउट होता है और चला जाता है वापस अंदर, और इस स्मार्टफोन का पॉपअप सेल्फी जो कैमरा है वो 2,00,000 बार से ज्यादा आप नीचे ऊपर कर सकते हैं, जो कि आपको 10 साल तक किया जा सकता है। अगर आप पर डे 50 बार भी आप पॉपअप सेल्फी कैमरा को ऊपर नीचे करते हैं तो आप 10 साल तक इस स्मार्टफोन के पॉपअप सेल्फी कैमरा को यूज कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इसकी जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है उसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सोनी के IMX471 का सेंसर देखने को मिलता है, जैसा कि OnePlus Note 7 Pro में देखने को मिला था। दोस्तों इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से आपको कोई भी तकलीफ नहीं रहने वाली है, आप कुछ कैमरा सैंपल्स भी देख सकते हैं वीडियो में ही। अब दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन के रियर साइड की, तो यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको सेम 48+5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि सोनी के IMX586 का सेंसर है। दोस्तों अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे सच में ये कैमरा बहुत ही इम्प्रेसिव लगा। आपको यहाँ पर रेडमी के K20 से भी ज्यादा अच्छा कैमरा देखने को मिलता है, क्योंकि रेडमी के K20 में आपको सोनी के IMX586 का सेंसर देखने को नहीं मिलता है। सो अगर आप एक कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर प्रेफर कर सकते हैं। आप रेडमी K20 को नहीं ले तो बेटर होगा, क्योंकि रेडमी K20 का कैमरा आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, और जहाँ तक मैंने वीडियोस में देखा है चाइना वेरिएंट के, तो वहाँ पर आपको रेडमी के K20 से ज्यादा स्पीड में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही फास्ट काम कर रहा है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसका। सो आप चाहेंगे तो इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए भी, क्योंकि इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही स्पीड काम करता है। फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 37,050 mAh की बैटरी देखने को मिलती थी चाइना वेरिएंट में, बट दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो बैटरी इंडियन वेरिएंट में होने वाली है इसके बारे में इसके ऑफिशियल वेबसाइट में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, बट ऑफिशियल वेबसाइट में एक कंफर्मेशन जरूर है कि यहाँ पर आपको 20W का VOOC का फ्लैशर का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि 30 मिनट के अंदर आपको 55% से ज्यादा चार्ज कर देगी स्मार्टफोन को। बट इस स्मार्टफोन में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी या नहीं इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस स्मार्टफोन के इंडियन वेरिएंट में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर 3750 mAh की बैटरी देने को होती तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट में यह कंफर्म कर दी गई होती, क्योंकि मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक किया तो यहाँ पर आपको कोई भी बैटरी को लेकर कंफर्मेशन नहीं है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके जो मेन पॉइंट है प्रोसेसर, वहां पर भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर होने वाला है वो स्नैपड्रैगन के 730 का हो सकता है, या फिर स्नैपड्रैगन के 712 का हो सकता है, जैसा कि हाल ही में वीवो के Z1 Pro में देखने को मिला था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों यही थी कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन रियलमी एक्स के बारे में, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्मार्टफोन बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन होने वाला है और रेडमी के K20 को बहुत ही आराम तरीके से बीट कर देगा। पर दोस्तों रेडमी के K20 में आपको ट्रिपल लेयर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलता है और इसमें डुअल लेयर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलता है,
और वहाँ पर आपको एक ग्लास बैग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है। अदरवाइज Realme X बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन है। आपकी क्या राय है इस स्मार्टफोन को लेकर, मैं कमेंट करके बताएं। फाइनली दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो Realme X का प्राइसिंग जो होने वाला है वो 18,000 रहने वाला है, ऐसा Realme के CEO माधव ने कंफर्म किया था अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। पर मुझे दोस्तों ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होने वाली है वो आपको 16,000 से 17,000 रुपीज के बीच में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों Realme X के बारे में यही कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन थी जो मैंने बताने की कोशिश की आप लोगों को। सो आई होप आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल सच में लगा हो तो आप वीडियो को सच में लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। अगर आप शेयर करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।